ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में कोरोना का खौफ उस वक्त अचानक बढ़ गया जब सोलन में अंबाला से एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति अंबाला से भागकर कसौली आ गया है। ये व्यक्ति कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के सीधा संपर्क में था और इस व्यक्ति में कोरोना बीमारी के लक्षण थे। इस व्यक्ति के अभी टेस्ट किए जाने थे, लेकिन उससे पहले ही ये भागकर कसौली आ गया। जब ये सूचना मिली तो स्वास्थ्य विभाग ने इस पर तुरंत कार्यवाही अमल में लाई और व्यक्ति की खोज करनी आरंभ कर दी। फिलहाल अभी तक उस व्यक्ति को ढूंढा नहीं जा सका है। व्यक्ति का मोबाइल भी बंद पड़ा हुआ है। सोलन में कोरोना का खौफ उस वक्त अचानक बढ़ गया जब सोलन में अंबाला से एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति अंबाला से भागकर कसौली आ गया है। ये व्यक्ति कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के सीधा संपर्क में था और उस व्यक्ति में भी कोरोना बीमारी के लक्षण थे। इस व्यक्ति के अभी टेस्ट किए जाने थे, लेकिन उससे पहले ही ये भागकर कसौली आ गया। जब ये सूचना मिली तो स्वास्थ्य विभाग ने उस पर तुरंत कार्यवाही अमल में लाई और व्यक्ति की खोज करनी आरंभ कर दी। फिलहाल अभी तक उस व्यक्ति को ढूंढा नहीं जा सका। उस व्यक्ति का मोबाइल भी बंद पड़ा है। अधिक जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव उपल ने बताया कि उन्हें अंबाला के स्वास्थ्य विभाग से खबर मिली थी कि एक व्यक्ति जो कोरोना पीड़ित से संपर्क में था वे वहां से भाग आया है, जिसके बारे में पुलिस को सूचना दे दी गई है। उस व्यक्ति की खोज की जा रही है, जल्द उसे ढूंढ लिया जाएगा और आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। एक हमें और संदेश आया है अंबाला से कि एक जो कॉन्टैक्ट के साथ था, बंदा पॉजिटिव कॉन्टैक्ट के साथ, वो इधर कसौली रीजन में कहीं भागा हुआ है, पर ना तो वो टेलीफोन उठा रहा है, पर हमारी हेल्थ की टीम भी लगी हुई है, पर हमने इस केस को विजिलेंस और पुलिस को भी दे दिया है कि इसको जल्द से जल्द ट्रेस करें।